हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा ये हाथ बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है। दिखाओ मैं आपको एक सेकेंड, पूरा फट गया है बर्तन मांझ मांझ के। मैंने क्रीम व्रीम सब लगा ली, हैंड क्रीम लगा ली, पर ठीक ही नहीं हो रहा है और बहुत ही अजीब सा लग रहा है। पता है, देखा जैसे कि आपने, बहुत गंदा फट गया है ये। कौन है यार बर्तन गिरा रहा है? राजा पानी। हाँ तो कहाँ थे हम लोग, ये पानी भर रहे थे और पानी का नल खुला छोड़ दिया, नहीं तो उससे रसोई गीली होती है। और रसोई में जो मैट है ना, वो अगर ज़्यादा पानी वानी गिरता है तो जो मैट है वो अपना कॉर्नर छोड़ देगी और रसोई की पूरी मैट जो है वो ख़राब हो जाएगी। आई सॉ इट, आई थिंक बेडरूम में, आई थिंक सो। हाँ तो मैट जो है वो अपना वो छोड़ देगी। तो आज राजा जो है वो ऑफिस नहीं गए। सुबह से पता है हम लोग के गले में बहुत ज़्यादा दर्द है और डर लग रहा है काफ़ी, क्योंकि ना यहाँ पे काफ़ी खराश है और काफ़ी दर्द है और दोनों को एक साथ, और बॉडी भी बहुत पेन कर रही थी। लफड़ा तो ना हो गया? वही डर लग रहा है यार, कोई लफड़ा तो नहीं हो गया, कि कुछ कुछ पता नहीं चलता और कहाँ से हुआ ये भी नहीं मालूम, क्योंकि हाँ यहाँ से यहाँ तक भी कुछ लग रहा है, वो जो खराश टाइप ही लगती है नाक में भी लग रहा है। मे बी मौसमी भी हो सकता है, जैसे ठंडा पानी पी रहे हैं तो, और क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ करा नहीं हम लोगों ने कि कुछ हो, कि हम किसी ऐसे इंसान के कॉन्टैक्ट में आए हूँ। बट ज़्यादा फ्रिज लाए थे तो वो लोग ज़रूर आए थे, बट आई डोंट नो, देखते अब कब तक ऐसे होगा। तो वही गला वाला दर्द हो रहा था हम लोग का। सुबह उठे हैं, फिर मैंने नाश्ता बनाया, मैंने पोहा बनाया, फिर अभी मैंने ना बहुत ज़्यादा तेज़ अदरक डाली है चाय में और वो चाय बनाई है। मेरी मम्मी और बहन से बात हो रही थी, वो काढ़ा बोल रहे थे पीने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि देखती हूँ कहाँ पे गिलहुआ का वो रहता है ना, पत्ता रहता है ना, उससे कुछ काढ़ा बनता है, पर अब गिलहुआ का पत्ता मैं कहाँ से लाऊँगी। तो फिर मैंने वो अदरक की चाय बनाई। वो कह रही थी मेरी बहन ही कि जो कपूर है ना, उसे 4-5 कपूर लेके उसे बारीक पीस के टिश्यू में डाल के सूंघ लो, तो उससे क्या होता है थोड़ा डिटॉक्स टाइप का हो जाता है, काफ़ी सारी छींकें आएंगी उसे वो करने के बाद, और कपूर काफ़ी अच्छा भी रहता है इन सब चीज़ों के लिए। तो कपूर से जब सूंघेंगे तो काफ़ी छींकें आएंगी, तो वो बोल रही थी कि बहुत सारी चीज़ें जो रहती है इन्फेक्शन वो निकलेगा, तो वो बोल रही है कि ये करके देख लो कि डिटॉक्स है। तो वो लोग डर रहे हैं थोड़ा, हम लोग को भी लग रहा है, पर कुछ नहीं कर सकते हैं। नाक में कुछ अजीब सा हो रहा है, गला कुछ अजीब सा हो रहा है और थोड़ा बॉडी पेन है, और कुछ ऐसे है नहीं। मौसम भी ऐसा है, कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, तो मे बी पॉसिबल इसके कारण हुआ हो। मेरी मदर इन लॉ से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि हो सकता है मौसम के कारण हुआ हो और ये वाली जो प्रॉब्लम है। फिर वो बधाई भी दे रही थी नए फ्रिज की, तो काफ़ी अच्छा लगता है ना, मतलब सबके फ़ोन आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मतलब सबसे बात करते रहते। तो मेरी मम्मी, मतलब मेरी मदर इन लॉ बोल रही थी कि जैसे अगर तुम लोग को टाइम मिल रहा है तो मन नहीं लग रहा है तो वहाँ आ जाओ, हम लोग कभी यहाँ आ जाएँ तो ऐसे टाइम पास होता रहे, क्योंकि वो भी घर है ये भी घर है, तो टेंशन फ्री होकर आप आना जाना कर सकते हो। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मैं अपनी मम्मी के यहाँ चले जाऊँ। सो गाइस क्या है, हम लोग जाएंगे फ्लाइट से, बहुत सारे लोग ही कॉन्टैक्ट में आएंगे और फिर घर पहुँचेंगे, और उसके बाद फिर अगर हमें गलती से भी थोड़े बहुत भी चीज़ें हो जाती हैं तो मेरी जो मम्मी है वो हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें मैंने आप लोग को बताया था 2015 में उन्हें अटैक आया था, वो बेहोश हो गई थी, घर में काम कर रहे थे तो वो स्टेयर्स उतर के नीचे आई हैं, और मेरा भाई निकला ही था, उसे जबलपुर आना था, उस टाइम वो MD कर रहा था जबलपुर से, तो उसे जबलपुर आना था, उसी टाइम पे ना वो निकला ही है और मम्मी जो थी वो बेहोश होकर गिर गई। फिर वो आधे रास्ते से वापस आया है, उसने एक टैबलेट थी वो दी है, और फिर जब गए हैं तो मम्मी का कुछ होता है, आपको आई थिंक एंजियोप्लास्टी होती है, स्टंट ही बोलते हैं आई थिंक उसे, मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है। स्टंट ही बोलते हैं ना जो हार्ट खोलने के लिए डलता है, वो नहीं हुआ था बट बलून से कुछ होता है, वो उसी से उनका जो आर्टरी थी उसकी ब्लॉकेज गई, बट अबाउट 70% जो हार्ट है मेरी मम्मी का वो काम नहीं करता है। तो वही थोड़ा सा डर लगता है मुझे कि कोई भी एक इंसान बीमारी लेके चला जाएगा, और अगर आप लोग जवान हो, आपका इम्यून सिस्टम सही है तो फिर भी आप थोड़ा बहुत झेल जाओगे, बट अगर कोई ऑलरेडी पहले से बीमार है और उसके पास आप जा रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको घर वालों को प्रोटेक्ट करना है, तो इसीलिए फिर मेरे को डर लगता है, पता है मैं नहीं जाऊँगी जब तक कि ये सब कुछ चीज़ें सही नहीं हो जाती है। मेरा बहुत मन करता है मेरी मम्मी से मिलने का, पर वही मुझे डर लगता है कि लापरवाही बहुत बड़ी चीज़ों को अंजाम दे सकती है, इसलिए ये कारण है। मेरी मम्मी दवाई पे हैं और जब से वो चीज़ हुई है तो वो हर दिन खून पतला होने की दवाई जो है
एक हार्ट पेशेंट को दी जाती है, तो हमेशा डर बना रहता है आपके दिमाग में बना रहता है। तो उस चीज़ को 5 साल हो गए हैं, पर फिर भी लगता है कि यार जो बीमारी है उसमें मेरे पापा भी बाहर जाके आते हैं, तो पापा का भी लगता है कि पापा थोड़ा सा ध्यान से है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी को कोई प्रोटेक्ट करके रखे, क्योंकि उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम है। ऐसे ही राजा की मम्मी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो जिनको ऑलरेडी कुछ चीज़ों से जो सफ़र कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए थोड़ा सा कहते हैं ना कि बच के रहिए और अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट रखिए। अगर आप कहीं गए हो कि आपको कोई काम है, तो 14 डेज़ के लिए खुद को घर में बंद कर लीजिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो और बचा सकते हो। तो ये सब चीज़ें चली गई, मैं चाय लेके जाती हूँ और इन्हें चाय देती हूँ, क्योंकि इनका बहुत अजीब सा वो हो रहा है गला। तो चलिए मैं चाय लेके जाती हूँ और देती हूँ, और देखते हैं क्या होता है कि ये कितना बढ़ता है कितना क्या होता है। तो बहुत गर्म अदरक की चाय पीने के बाद, 4-5 घंटे आराम करने के बाद मैं दोबारा आ गई हूँ। तो जो फ्रिज है ये हो गया है चालू, तो चालू मतलब ऑन कर दिया गया है। तो इसे कल रात को ही ऑन कर दिया था मैंने, आपको फ्रिज ऑन करके ही दिखाया था आई थिंक कल के ब्लॉग में, आई गेस नहीं करके दिखाया था। तो ना इसमें लाइट चलती है जब आप इसे ओपन करते हैं, तो ये टेम्परेचर सेटिंग है, और यहाँ पे चाइल्ड लॉक भी है, जैसे बच्चे बच्चे हैं, और मोड्स भी हैं इसमें। जैसे क्विक मोड है उसमें 45 मिनट्स में आइस जम जाती है, जैसे कभी पार्टी वगैरह हो घर में, ऑल दो कोई पार्टी होती नहीं है। तो ये जो एरिया है इसमें सिर्फ 2 सिल्क रखी है, ये और पूरा खाली पड़ा है, क्योंकि हम आइसक्रीम वगैरह, गला ख़राब है, आइसक्रीम वगैरह से हम खाते नहीं हैं, पर कभी लाएंगे तो खाएंगे, पर अभी फ़िलहाल तो नहीं। उसके बाद आई थिंक ये लॉक हो गया, ये लॉक हो गया था। उसके बाद ना यहाँ पे डब्बे जो थे वो मैंने धो के लगा दिए थे, पर अभी इनमें कुछ रखा नहीं है। उसके बाद फिर ये कुछ चीज़ें हैं, ये लस्सी जो है हम लोग बहुत पीते हैं इसलिए रखी हुई है, और ये छाछ रखी हुई है, लस्सी रखी हुई है, सॉरी छाछ रखी हुई है ये, और ये अमूल का है पर फिलहाल गला ख़राब है, और ये फ्रूट जूस, और ये कुछ सामान था राजा लेके आ गए थे, और ये पानी की बॉटल रखी है। तो अभी इतना ही सामान रखा हुआ है, और सब्ज़ी वगैरह थी वो मैंने यहाँ पे जमा दी थी जो सब्ज़ी है। तो अभी मैं भिंडी बनाने वाली हूँ, तो मैं यहाँ से भिंडी निकालने आई थी, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, और तो मैं सोच रही हूँ भिंडी निकाल ली जाए यहाँ से।
मैंने बना लिया है और खाना खा भी लिया गया है। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, ये जो गले की दिक्कत थी, मेरे को लगा यार रेस्ट करते फिर खाना जो था वो तो बनाना ही था ऑब्वियसली, बाहर से तो आता नहीं। उसके बाद जो गला है अभी पहले से बहुत सही है, मैंने 3-4 बहुत ज़्यादा तेज अदरक की सॉलिड अदरक की चाय पी। काढ़े के लिए मैंने आपको पत्ते बताए थे, वो पत्ते मेरे पास थे नहीं, तो मैंने गुड़, अजवाइन, अदरक और सॉल्ट होती है ना वो, उन सबको मिक्स करके एक काढ़ा बनता है, वो गले के लिए बहुत अच्छा रहता है। हाँ, एक बार में ही उसे फटाफट खाना पड़ता है क्योंकि जो गुड़ होता है वो जम जाता है, तो वो गर्म ही रहता है, तो वो खाया। तो अब जो है पहले से बेहतर है और हल्दी का दूध पियेंगे और सही हो जाएंगे। तो शाम तक ना मेरी नोज़ जो थी, शाम तक मेरी नोज़ काफ़ी वाटरी हो रही थी, तो मुझे लगा कि मे बी यार। अब पता क्या है, दिक्कत ये है कि नॉर्मल फ्लू भी होगा आपको तो आपको थोड़ा डर लगेगा। तो मैंने ना 2 लज्जत पापड़ जो थे वो रोस्ट किए और फिर मैंने उन्हें खाया। मैं देख रही थी कि मुझे टेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा, तो टेस्ट आ रहा था क्योंकि क्या होता है, ये पढ़ा भी है मैंने और बहुत सारे, मतलब आप देखते होंगे यूट्यूब बहुत देखते होंगे, तो जो टेस्ट होता है ना वो बहुत टाइम के लिए आपका सूंघने की शक्ति और टेस्ट की शक्ति जो है वो चली जाती है। तो मुझे लगा कि अब टेस्ट करके देखते, तो आ रहा था टेस्ट, तो थोड़ा डर लग रहा था। राजा मुझसे कह रहे थे यार कॉल करते हम अपना सैंपल दे देते मे बी इन केस अगर है तो वो। फिर मैंने बोला यार फालतू ना पैनिक मत हो, क्योंकि अगर अब मौसम चेंज भी होगा, क्योंकि बरसात भी हो रही है और बहुत सारी चीज़ें अब होगी, आपको पता है आपको नॉर्मल फ्लू होता ही है, साल में 2 बार होता है, साल में 1 बार होता है। तो मैंने बोला तुम्हें लास्ट फ्लू कब हुआ था, सर्दी जुकाम वगैरह कब हुआ था, तो आई थिंक ठंड के टाइम हुआ होगा। मैंने बोला 6-7 महीने में 1 बार हो सकता है कि हो जाए दोबारा, तो वो नॉर्मल फ्लू होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को उससे रिलेट करके देखो, वो ये भी कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे थे। मेरा जो बॉडी टेम्परेचर है वो हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रहता है, लाइक तो मेरा जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा ही रहता है। जब भी मैं थर्मामीटर से नापती हूँ तो इनका मेरे से लाइक, जैसे इनका 97 आ रहा है, मेरा 98 something आता है, तो मेरा हमेशा वो रहता है। और मेरे को कोई छुएगा ना तो मैं हमेशा गर्म रहती हूँ, तो अभी मुझे छू भी रहे हैं, ठीक है। अभी मैं छू के बोल रही हूँ यार तुम्हें फीवर लग रहा है। मैंने बोला मैंने टेम्परेचर लिया है, मुझे फीवर नहीं है, मैं हमेशा ही ऐसी रहती हूँ। मतलब मुझे कोई भी छूता, पता आपकी कुछ लोग होते हैं जो बहुत ठंडे रहते हैं, कुछ लोग जो रहते हैं वो छूते हो तो आपको ऐसा लगता है कि उन्हें फीवर है। मेरी मम्मी भी मुझे जब मैं छोटी थी मुझे कई बार बोलती थी फीवर है, पर मुझे फीवर होता नहीं है उस टाइम पे। मैं ऑटोमेटिकली काफ़ी, मतलब मेरी बॉडी बहुत हीट मारती है, मतलब जैसे ही मैं टच करती हूँ अपने आप को या कोई और मेरे को टच करता है ना, तो उसे लगता है कि मुझे फीवर है, पर मुझे फीवर नहीं था। फिर मैंने बोला तो मुझे डरा रहे हो, मुझे बहुत डराया है, नहीं खुद भी डर रहे थे मुझे भी डरा रहे थे। मैंने बोला पता है डरने से क्या होगा, और तबीयत ख़राब लगेगी और कुछ नहीं होगा, सोचो नॉर्मल फ्लू है या फ्लू लाइक सिम्टम है, या कभी कभी हम लोग को टॉन्सिल्स की बहुत प्रॉब्लम होती थी, मे बी वो हो, इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ठंडा पानी पी रहे हैं सब लोग, हम भी ठंडा पानी पी लेते हैं, कई बार गर्मी है धूप से आए ठंडा पानी पी लिया तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, एसी से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा डर रहे थे, फिर मैंने बोला कि नहीं डरो मत। तो अभी जो है इनका गला भी थोड़ा बेटर फील कर रहा है, मेरा गला भी बेटर फील कर रहा है। तो इसी ब्लॉग में गला ख़राब से शुरुआत की थी मैंने, और बहुत सारी चीज़ें पीते, मतलब मैंने बहुत प्रिकॉशन लिए हैं, और जो पानी भी था वो हम लोगों ने गर्म करके पिया है भी की है, क्योंकि क्या होता है जैसे नॉर्मल होता था ना पहले, तो हम लोग ऐसे कुछ नहीं करते थे और दवाई वगैरह लेते नहीं है सर्दी की, क्योंकि कहते हैं कि सर्दी अगर आपको हो रही है तो उसे बह जाना चाहिए, कि जितनी हो सके उतनी बह जाए। तो सर्दी की कभी भी दवाई मत लीजिए, क्योंकि उससे कई बार हेडेक वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है, कई बार सर्दी जम जाती है। तो हम लोग हमेशा ये करते थे कि यार सर्दी निकल ले, तो हमने कभी सर्दी की दवाई नहीं खाई है। इवन पहले मैं बहुत डेयरिंग भी थी, अब मेरे को बहुत डर लगता है। मैं सरसों का तेल नाक में डाल लेती थी और उसमें मेरी 2 दिन में सर्दी ठीक हो जाती थी। कई बार नाक बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो जाती है, तो मैं बहुत डेयरिंग थी, अब मेरे को डर लगता है कि यार डालने में। पहले मैं मम्मी को बोलती थी और मम्मी फटाफट डाल देती थी, अब राजा जो है वो खुद ही बहुत ज़्यादा डरते हैं तो वो मुझे और डराते हैं, और फिर ऑब्वियसली मैं नहीं डाल पाती हूँ। तो ये हुआ, और फिर मैंने इनसे बोला अब तुम्हें सही फील हो रहा है ना, तो इन्हें सही फील हो रहा था, इन्हें बोला हाँ। तो फिर मैंने इनसे बोला कि यार डरो मत, होना होगा तो भगवान जी के भरोसे, हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी चीज़ें कर रहे हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, इवन हर चीज़ जैसे चल रही है बाहर इतना नहीं वो कर रहे हैं। मैंने तो बोला हम तो अपने हिसाब से पूरे प्रिकॉशन ले रहे हैं, और अगर फिर कुछ होना है तो वो हो के ही रहेगा, पता है कुछ चीज़ें जो अवॉइड नहीं कर सकते, अगर आपको लिखा होगा तो वो हो ही जाएगा, आप अपनी तरफ से ले लीजिए 100% प्रिकॉशन, बट इनकेस तब भी हो जाता है तो फिर आई थिंक आपकी कोई गलती नहीं है। तो फिर बस ये हुआ, और नॉर्मल ही था, आई थिंक ये मौसम बदल रहा है ना उसके कारण, और ये राजा ज़्यादा ही कि टेस्ट करा लेते हैं। और ये पता क्या है, अभी ना हम लोग के यहाँ ना बहुत ज़्यादा
केसेस हो रहे हैं। पहले ना हम लोग के आसपास केसेस नहीं थे, अब चार कदम छोड़ के ही 12-12 केसेस एक दिन में निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। और फिर ये ऑफिस भी जाते हैं आते हैं और थोड़ा सा लगता है, पर काम भी नहीं छोड़ सकते हो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं काम जो है वो आपकी एक बेसिक इनकम आपको चाहिए ही चाहिए कि आपका जो घर है वो आराम से चले। तो अभी काम पे भी जा रहे हैं तो उन्हें डर भी लगता है कि यार मैं ही ना ले आऊँ। और फिर मैं बोलती हूँ कि यार देख लो, अगर नहीं लग रहा है तो मत जाओ, पर फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि यार फिर घर कैसे चलेगा, क्योंकि क्या होता है आपको अगर चीज़ें नहीं छेड़नी है तो रेगुलर बेसिस पे घर तो आपको चलाना ही पड़ेगा। और कब तक घर में बैठे रहोगे, क्योंकि ये तो ठीक हो ही नहीं रहा है, मतलब बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जो ग्राफ है वो गिर रहा है। तो फिर मैंने उनसे बोला कि एक काम करो, शांति से रहो, अपनी तरफ से पूरे प्रिकॉशंस लो, और फिर कुछ होता है तो वो आपके हाथ में है नहीं। अगर अब हर चीज़ में आप नहीं सोच सकते, इतना नहीं सोच के चल सकते, बस हाँ आप हर चीज़ से प्रिकॉशंस ले सकते हो कि हाँ मैंने हाउस हेल्पर को बुलाना था, मेरी हाउस हेल्पर कल आई, अब उसके एरिया में भी निकल गए, तो मैंने उससे आज से बोला कि मत आना, तो वो फिर से नहीं आ रही है, उसे काम की बहुत ज़रूरत है। मैंने उससे एडवांस पेमेंट कर दी, मैंने बोला कि जब ठीक होगा ना तो मैं फिर बुला लूँगी, अभी थोड़ा सा पैनिक हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर ना टेस्ट भी नहीं हो रहे हैं, जो बस्ती एरिया वहाँ पर टेस्ट नहीं हो रहे हैं। मैंने उससे बोला कि अभी मत आना, मतलब उसने कल का काम जो है वो आई है और मुझे केसेस का और पता चला, तो मैंने उसे आज से मना कर दिया। अभी जो है मेरे को लग रहा है कि यार ना बुलाओ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो भी चार घर से आएगी और हम नहीं जानते उन चार घर में लोग कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं। अब काम करना था और लग रहा था कि यार काम करते करते कुछ हो जाएगा, मर जाएंगे, मतलब इतना काम हो जाता है। फिर लगता है कि यार ठीक है, अगर अपने फैमिली मेम्बर को प्रोटेक्ट करना है तो थोड़ा बहुत काम जो है वो कर लो, थोड़ा बहुत नहीं होता, हो जाता है बहुत, पर मिलजुल के कर लो। कौन आपके घर का इंस्पेक्शन करने आ रहा है कि यार ये यहाँ पे रखा है या ये साफ़ है या नहीं, आप खुद से ही कर लेते हैं। बट कभी कभी होता है कि नहीं मन करता है, पर मैंने उसे मना कर दिया। आ गई थी वो, पर मैंने उसे मना किया कि यार मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को भी इस कारण से कुछ होए। और फिर सब लोग ये बोले कि देखो काम नहीं कर पाई और हाउस हेल्पर को बुला लिया, वहाँ से वो 10 घर से आई, फिर यहाँ पे आके ये हो गया, फिर आखिर में ये जो चीज़ें होती है वो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। तो फिर मेरे को लगा यार रहने दो, हाउस हेल्पर को नहीं बुलाते। तो बस इतना हुआ है और खाना जो था वो बना लिया है। तो आज जो ब्लॉग है वो पता है मुझे कैसा भी बना है। पर गाइस थैंक यू सो मच, आपने मेरे कल वाले ब्लॉग में बहुत सारा प्यार दिया, परसों वाले ब्लॉग में बहुत सारा प्यार दिया। ब्लॉग डेली 10 बजे आते हैं, प्लीज़ याद रखिए और ब्लॉग को देख लीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, और गाइस चलिए बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब, लाइक, और मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।